वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास टेंथ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों इसमें पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स, ठीक, और फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। कौन चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी हम करा चुके हैं बच्चों, इसमें चल रहे हैं आपके न्यूमेरिकल। अब तक हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का बेसिक बताया, वो भी सर्किट वालों का। अब करेंगे हम लोग बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स, जो थोड़े से हार्ड पड़ते हैं मगर आपको ईजी में समझा देंगे, ठीक। तो चलो बच्चों शुरू करें, पहले अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी लाइक का बटन दबा के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर आर फाइव इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? फाइव इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे बोल रहा हूँ वह समझ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बोले? फाइव इलेक्ट्रॉन। तो इस पोजिशन में बच्चों एन की वैल्यू कितनी होगी? एन इक्वल टू फाइव इलेक्ट्रॉन, ठीक। इन एक्सिस ज़्यादा हैं, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो कैसा चार्ज आता है उसके पास में? नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा बच्चों आपका? नेगेटिव चार्ज। अगर वर्ड यहाँ लिखा होता कि यहाँ एक्सिस लिखा हुआ है, वहाँ लूज होता, ठीक है, तो वहाँ पर क्या 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 होता बच्चों? हमारा पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक। आगे लिखिए बच्चे, इसमें लिखा हुआ है ऑन कंडक्टर देन नॉर्मल स्टेट फाइंड द चार्ज। तो क्या फाइंड करना है बच्चों आपको? चार्ज यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ई की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। देन अब कहा है चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द कंडक्टर, क्यों बताएंगे, एंड नेचर। नेचर कौन से हो भैया आपको? नेगेटिव के, कम हो रहा है। तो वी नो दैट, फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला है बच्चों? क्यू एन और ई में क्या है? क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेरी गुड। और क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एन की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो बच्चों ये हो गया 16 5 80, 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और क्या होगा चार्ज, कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। दैट्स ओके, आंसर वन कंप्लीट बच्चों आपका। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन किसे करना है? आपको करना है। मैं कराता हूँ बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। देन इस क्वेश्चन में कहा बच्चों हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मतलब संख्या से, वो एन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। याद रखिएगा जहां भी हाउ मैनी आ गया ऐसे क्वेश्चन में एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वर्ड आ गया तो आपको ई की वैल्यू क्या लेनी है? सेम एज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इन 1 कूलाम चार्ज, चार्ज बोल दिया ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे क्यू की वैल्यू क्या कहना चाह रहे हैं, वो 1 कूलाम। यानी आपको तीन चीजें फिर से रिलेशन हो गया, एन ई और क्यू की। अब की बार क्यू गिवन है, ई गिवन है, किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों आपसे? किसकी? वेरी गुड, एन की वैल्यू पूछी है। तो आप फिर से वही चीज लिखेंगे, क्या? वी नो दैट एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। वेल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड ई, द वैल्यू ऑफ क्यू इज 1 एंड वैल्यू ऑफ ई इन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। वी आर सॉल्व द दिस प्रॉब्लम, इट मीन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 विल बी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। द वैल्यू ऑफ इज एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी राइट द इलेक्ट्रॉन। दैट्स ओके, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 1 अपॉन
1 अपॉन 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 दैट एज यू नो द पावर ऑफ नेगेटिव इफ यू मूव न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर द पॉजिटिव टू नेगेटिव। बच्चों आप जानते हैं यदि हम पावर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 टू पावर 19 अपॉन 1.6 दैट्स एक पावर यहाँ से कम करेंगे तो 18 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 10। डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 100। जब 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 और 18 ये रहा बेटा आपका। दैट्स ओके। चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सॉल्यूशन नंबर 4 बच्चों जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ लिखा करंट ऑफ 5 एम्पियर। याद रखना जिस भी नंबर के बाद में यूनिट एम्पियर लिखी हो वो वैल्यू होती है आई की। किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आई की। कितने एम्पियर लिखे हैं? 5 एम्पियर। एंड इज पासिंग थ्रू ए वायर हाउ मच चार्ज। कितना पूछा बच्चों तो आओ हाउ मच चार्ज यानी क्यों पूछा है? क्यों की वैल्यू पूछी है। हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू इन 10 मिनट कि 10 मिनट में कितना चार्ज पास होगा। तो इसमें t इज इक्वल टू दिया है बच्चों 10 मिनट। एज यू नो आई विल टेल यू ऑल टाइम इन सेकेंड। सब अब आपको पता है बच्चों हर न्यूमेरिकल में टाइम किस में लेना है? सेकेंड में। एक्सेप्ट उन क्वेश्चनों को छोड़कर कौन से जिसमें हम नंबर ऑफ यूनिट या किलो वाट आवर फाइंड करेंगे वहां पर टाइम हमको आवर में लेना है। बाकी सभी न्यूमेरिकल्स में टाइम किस में लेना है? किसमें? सेकंड में। अब बच्चों 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यू विल बी मल्टीप्लाई ऑफ 60 दैट 600 सेकंड। दैट्स ओके। इन दिस न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन आई क्यू एंड टी किसके बीच में होगा? क्यू आई और टी के बीच में। आपको याद करिए सेकेंड फॉर्मूला आपने कॉपी में लिखवाया था। हमने क्या लिखवाया था? वी नो दैट क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी द वैल्यू ऑफ आई इज 5 एंड वैल्यू ऑफ टी इज 600 देन 5 30 और 20 बेटा ये रही। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 3000। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 3000। और उसकी पीछे क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम। आपको पता है बच्चों यूनिट लिखना सभी क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम कराते हैं आपको बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। बच्चों एज यू सी इन दिस सिक्स्थ क्वेश्चन 180 कूलाम चार्ज। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? 180 कूलाम चार्ज। तो इतना वर्ड पढ़ने से क्या पता पड़ रहा है चार्ज कितना है बच्चों आपको? 180। चार्ज भी ना लिखा हो कूलाम की यूनिट से पता पड़ रहा है बच्चों ये 180 क्या है? चार्ज है। तो Q की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर? 180 कूलाम। Q की वैल्यू क्या होगी? 180 कूलाम पर मिनट। क्या लिखा बच्चों? पर मिनट। पासिंग पर मिनट। मिनट का मतलब बच्चों टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? पर जहां भी पर मिनट होगा वहां पर लेंगे हम लोग 1 मिनट। अब मिनट को किसमें काउंट करना है? किसमें? थोड़े पर बताया था हमने आपको सेकंड में। वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। देन फाइंड द करंट पासिंग थ्रू सर्किट। तो फाइंड क्या करना है बच्चों आपको? आई की वैल्यू। ठीक आप फिर से वही लिखेंगे वी नो That क्या जानते हैं आप बच्चों? आई क्यू और टी में रिलेशन। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी आई इक्वल टू क्यू टी। नहीं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और वैल्यू ऑफ क्यू कितने बच्चों आपकी? 180। और टी की वैल्यू 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 30। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी? 3 एम्पियर। दैट्स ओके। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी आर सॉल्व क्वेश्चन। बच्चों 7th क्वेश्चन द
देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए जल्दी से। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 7। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों आपका, 1.5 वोल्ट, यानी V इक्वल टू 1.5 वोल्ट। जहां भी बच्चों आप देखें वोल्ट लिखा हुआ वो हमेशा क्या होगा, V होगा, वोल्ट मीन V होगा। हाउ मच वर्क क्या पूछा है बच्चों आपसे, W की वैल्यू पूछी है। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन वन एंड टू अदर एंड, जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करेगा, ठीक बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन दिया है तो Q की वैल्यू क्या दी है, E, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम। अब W, V और Q में फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या बताया था, V वही चीज़ है, V नो दैट, बताइए बच्चों, W इक्वल टू V Q, वेरी गुड। V की वैल्यू क्या बच्चों, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब हिसाब सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा बच्चों आपका 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। किसकी वैल्यू है, W की, और W की यूनिट क्या होती है बच्चों, वर्क की, जूल। दैट्स ओके, 7 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, ठीक। 8th क्वेश्चन आप करेंगे, 8th क्वेश्चन कौन करेगा, आप, दैट्स ओके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर, कौन से क्वेश्चन की ओर, 9th क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन 9 बच्चे लिखा हुआ है, ए 24 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट। तो बच्चों यहां दिया हुआ V इज इक्वल टू 24 वोल्ट एंड 6 ओम रेसिस्टर, ओम किसकी यूनिट होती है बच्चों, रेसिस्टेंस की, तो R इज इक्वल टू हो गया बच्चों आपका 60 ओम एंड कनेक्ट इन सर्किट, सर्किट में कनेक्ट है। फाइंड द करंट, I की वैल्यू पूछी है बच्चों। V, R, I इन तीनों में रिलेशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है बच्चों, बताइए कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है इन तीनों में रिलेशन, बिल्कुल बढ़िया, ओम्स लॉ, कौन से लॉ में, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों आपसे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी V की वैल्यू क्या है 24, R की वैल्यू 60, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, दैट्स वैल्यू इज 0.4। क्या I की वैल्यू है तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी सॉल्यूशन 10, सॉल्यूशन 10। बच्चों ने मेरे समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देगा, सर मेरे समझ में नहीं आ रहे, इन न्यूमेरिकल को दोबारा समझा दो, तो कल मैं आपको इसी क्लास में वो जो मेरे समझ में नहीं आएगा फिर से अगेन समझा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, व्हेन 0.5 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा बच्चों, 0.5 एम्पियर करंट, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0.5 एम्पियर, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज फाउंड टू बी 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 वोल्ट, यानी V इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्या फाइंड करना है, R, यानी जब भी आपसे कहा जाए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर तो रेजिस्टेंस वर्ड फाइंड द रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो फिर से लिखेंगे बच्चों हम लोग, बाय ओम्स लॉ, क्या होगा बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R इक्वल क्या होगा, जल्दी R, V और I फॉर्मूले में R इक्वल टू
वी अपॉन आई, वी की वैल्यू क्या बच्चों 2 और आई की वैल्यू 0.5, डेसिमल हटाएंगे 0 ऊपर जाएगी, 5 4 20, तो आर इक्वल टू आ गया 4 ओम। दैट्स हो गए क्वेश्चन, आप समझ चुके हो अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब कल की क्लास में फिर मिलते हैं और सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उन्हें जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।